हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ है। यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर्स को फुल डिटेल में नोट्स के साथ पढ़ते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है, क्लास हमारी 9वीं चल रही है, जिसका कि लास्ट चैप्टर है। और हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हमारा ज्योग्राफी, यानी कि भूगोल। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है उसका जो नाम है वो है पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या। अब जनसंख्या, पॉपुलेशन से बनने वाले जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम लोग एक ही वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो इससे बनने वाले जो भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो भी बनते हैं, या फिर अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद उन सभी क्वेश्चंस को आप लोग अटेम्प्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि आज चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि जनसंख्या का आकार और उसका वितरण क्या है। अब जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो हम लोग इन द रिलेशन ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के, भारत के संदर्भ में हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो हम ये देखेंगे कि भारत में जो जनसंख्या का घनत्व है उसका किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ कहाँ पर, कौन कौन से स्टेट्स में कहाँ पर है, कैसी है, ज़्यादा कहाँ है, कम कहाँ है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ द पॉपुलेशन चेंज, मतलब कि जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया किस टाइप से होती है, क्या होता है। फिर हम आगे पढ़ेंगे कि 1981 से लेकर जनसंख्या कैसे कैसे चेंज हुई, ठीक है, उसके बाद अब कैसे बढ़ रही है, कम हो रही है। उसी से रिगार्डिंग हम ये लोग पढ़ेंगे कि हमारा बर्थ रेट किस टाइप से रहा, मतलब कि जन्म दर कैसा रहा, मृत्यु दर कैसा रहा। इन सभी के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे एग्जाम में आ सकते हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी बच्चों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इससे बनने वाले जो भी इंपॉर्टेंट हमारे जो एमसीक्यू होंगे इस चैप्टर के, वो भी हम जल्दी ही आपके लिए प्रोवाइड करवा देंगे, अपलोड कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर क्या है, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या। ठीक है, अब देखिए हमारी सीरीज जो चल रही है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, तो दोनों बच्चे इसका फायदा उठा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि देखिए जो पॉपुलेशन होती है, कोई भी क्षेत्र है, एरिया है, कंट्री है, देश है, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है कि वहाँ पर रहने वाले लोग। अब लोग क्या मतलब क्या कि जनसंख्या मतलब कि पॉपुलेशन। अगर किसी एरिया में, किसी क्षेत्र में वो खाली पड़ा हुआ है, वहाँ पर लोग ही नहीं रहते हैं, तो उस क्षेत्र का कोई भी वैल्यू नहीं होगी, चाहे वहाँ पर कितने मर्जी संसाधन क्यों ना हो, कोई भी रिसोर्स ना हो। जब तक वहाँ पर लोग नहीं हैं तो वहाँ पर होने वाले रिसोर्सेज या संसाधन को कोई भी महत्व नहीं रहता है। तो हम लोग यही देखेंगे, आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ह्यूमन बीइंग्स आर द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स ऑफ द अर्थ रिसोर्सेज। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ मेनी पीपल्स आर देयर इन द कंट्री, वेयर डू दे लाइव लीव, हाउ एंड वाई देयर नंबर्स आर इंक्रीजिंग। यहाँ पर लिखा है कि जो मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है। अब देखिए पृथ्वी पर जानवर रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं और इंसान रहते हैं, लेकिन इंसान के अंदर क्या है, दिमाग है। तो जो भी हमारी पृथ्वी पर, अर्थ पर जो भी संसाधन है, चाहे वो आपके मिनरल्स हों, खनिज हों, पानी हो, जो मर्जी हो, उन सब का जो उपयोग करेगा अच्छे तरीके से वो इंडिया, ये इंसान ही करेगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ बोला है कि मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है। इसलिए ये जानना आवश्यक रहता है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं, कहाँ निवास करते हैं, कैसे रहते हैं, उनकी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है या फिर वो जनसंख्या उनकी घट रही है। क्यों? क्योंकि किसी भी देश में आपको पता है पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। ठीक है, पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, वो किस पे बेस होकर बनाई जाती हैं, वो बनाई जाती हैं कि किस देश में कितनी जनसंख्या है, कितनी पॉपुलेशन है। तो यही बात यहाँ पर बोली है कि जब हमें अपने देश के बारे में ये पता होगा कि हमारे देश में, हमारी कंट्री में कितने लोग रहते हैं, कौन लोग कहाँ पर ज़्यादा रह रहे हैं, किनकी डेंसिटी कहाँ पर कम है, तो उन्हीं सभी चीज़ को लेकर ये इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है एक देश को चलाने के लिए हमारे किसी भी क्षेत्र में, देश में जनसंख्या कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, यही बात यहाँ पर ये बोली गई है। उसके बाद बोला है इसी चीज़ को कि देश में जनसंख्या कितनी है, कहाँ है, उसी चीज़ को लेकर हमारा जो इंडिया में जो सेंसस हुआ था, ठीक है, वो होता है, सेंसस ऑफ इंडिया होता है, वो ये बताता है कि हमारे देश में पॉपुलेशन कहाँ पर है, उसकी इन्फॉर्मेशन ये देता है। तो हमारे देश का जो भी सेंसस है, सेंसस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जनगणना। ठीक है, आपको पता है जनगणना के बारे में, तो ये जो जनगणना होती है वो हमें इन्फॉर्मेशन देती है कि हमारे देश में कितनी जनसंख्या है।
ठीक है, ये सेंसस हम बता दें। जैसे कि आपको पता है कि 2011 का हमारी जनगणना हो चुकी है, अब आगे भी जनगणना होने वाली है, तो यही बताता है कि कहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, कम है, घनत्व कैसा है, कि मेल की पॉपुलेशन कितनी है, फीमेल की कितनी है, इन सभी की जो जानकारी होती है वो हमें जनगणना से प्राप्त होती है, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग जब हमें पता पड़ जाता है, हमारी गवर्नमेंट को, हमारी जो सरकार है उसको यह पता पड़ता है कि कहाँ कहाँ पर कितनी जनसंख्या, उसी को लेकर हमारी जो गवर्नमेंट है, चाहे वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, केंद्र सरकार हो, या फिर हमारी राज्य सरकार हो, वो पॉलिसीज़ भी बनाती हैं, और कितने रिसोर्सेज हैं उसी के हिसाब से, संसाधनों के हिसाब से पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। तो हमारे लिए ये जनगणना जो है, सेंसस है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम बात करें कि पहला सेंसस, ठीक है, मतलब जो पहली जनगणना थी वो कौन से सन में हुई थी, तो सबसे पहले 1972 में ये जनगणना की गई थी, ठीक है। और उसके बाद पहली कंप्लीट जो जनगणना थी वो 1881 से स्टार्ट हो गई थी, फिर उसके बाद हर 10 साल के इंटरवल के बाद ये जनगणना कराई जाती है, ठीक है। यहाँ तक हमने समझ लिया, अब आगे चलते हैं। अब देखो सेम चीज़ वही बात लिखी है कि भारतीय जनगणना जनसंख्या से संबंधित जानकारी प्रदान करती है, जो कि हमारी पॉलिसी मेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि जनसंख्या का आकार एवं वितरण क्या है हमारे भारत में। अब देखिए, इंडियाज पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय द नंबर, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो भारत की जनसंख्या का आकार एवं जनसंख्या का आधार पर वितरण, यहाँ पर हम नंबर बाय द नंबर पढ़ेंगे, उसके बाद हम डेंसिटी के हिसाब से पढ़ेंगे। अगर हम बात करें कि भारत की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, अगर हम मार्च 2011 की बात करें तो ये है आपकी 12,106,000 थी, ठीक है, ये 2011 की जनगणना के हिसाब से ये डाटा है आपका, ठीक है। अगर बात करते हैं यही इतनी जनसंख्या जो है 12,106,000, ठीक है, ये जो जनसंख्या है वो पूरे विश्व का 17% बनाती है, ठीक है, मतलब मानो ये पूरे विश्व में 100% जनसंख्या है, तो उसमें से 17% जनसंख्या जो है, जो कि एनसीईआरटी के हिसाब से लिखा हुआ है, ये हमारे देश की ही है। पूरे विश्व में 17% लोग जो हैं वो हमारे देश से आते हैं, इंडिया से आते हैं, ठीक है, अगर हम आकार की बात करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे विश्व की 17% जो भी जनसंख्या है वो हमारे देश से ही आती है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे यहाँ पर क्या है कि जो हमारे देश में 1.21 बिलियन लोग जो हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हैं, ठीक है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब भारत के 12.1 करोड़ लोग भारत के, ठीक है, अब जो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है अगर हम बात करें तो वो कितने एरिया में है, वो है 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, मतलब पूरे भारत का अगर हम बात करें जो किलोमीटर में अगर उसको एरिया को नापते हैं तो वह 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, जो कि पूरे विश्व का 2.4% एरिया हमारे भारत का है, ठीक है। तो बात यही बोली गई है कि 12.1 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख किलोमीटर में विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरण है। कहीं पर ये जो वितरण है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं तो ज़्यादा है। जैसे कि आपको ये पता है कि जो गंगा के जो मैदानी इलाके हैं, गंगा के जो प्लेन है, वहाँ पर बहुत घनत्व तरीके से, मतलब एक बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया वो होता है। वहीं पर अगर आप लद्दाख के एरिया में जाएंगे, जम्मू कश्मीर में जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, तो वहाँ पर ये जो हमारी जनसंख्या है वो डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है, मतलब वो मतलब बहुत कम लोग वहाँ पर रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये असमान रूप से वितरण, ये शब्द यहाँ पर ये यूज़ करा गया है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि अगर हम 2011 के जनगणना के हिसाब से बोलें, ठीक है, 2011 के जनगणना को अगर देखते हैं तो ये यूपी जो हमारा राज्य है, स्टेट है, मतलब उत्तर प्रदेश जो स्टेट है वो मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, मतलब कि सबसे अधिक जनसंख्या हमें यूपी में ही मिलती है। अब ये जो यूपी है वो हमारे पूरे देश का 16% जनसंख्या यूपी से ही आती है। कितनी आती है? 16% जनसंख्या। अभी देखिए जो मैं आपको आंकड़े बता रही हूँ ये आपके MCQs, मतलब कि प्री में भी आ सकते हैं, अगर आपको मेंस लिख रहे हैं, GS का मेंस लिख रहे हैं तो वहाँ पर ये आप यूज़ करके ज़्यादा मार्क्स फेच कर सकते हैं, मतलब कि ले सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें सिक्किम की बात करें, ठीक है, सिक्किम भी हमारा एक राज्य है, तो उसकी जो पॉपुलेशन है वो केवल 0.6 मिलियन, देखो कितनी ज़्यादा कम है। वहीं पर लक्षद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो उसकी जो पॉपुलेशन है वो है आपकी लगभग 64,000 लोग ही रहते हैं, ठीक है। वहाँ पर कितने हैं, देखो यूपी में 16%
पूरे देश के जितने भी लोग हैं वो 16% यूपी से ही आते हैं। वहीं पर लक्षद्वीप में बात करें तो केवल 64,429 लोग लक्षद्वीप में रहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे क्या है। आगे यहाँ पर ये लिखा गया है कि हमारा जो इंडिया है, भारत है, उसमें से 5 ऐसे राज्य हैं, अगर उनकी जनसंख्या को जोड़ लिया जाए तो हमारे भारत की जितनी भी जनसंख्या है आधी वहीं से आती है। लगभग मतलब केवल 5 राज्यों में निवास करती है भारत की आधी जनसंख्या। वो कौन कौन से राज्य हैं? तो वो है यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये नोट करते जाइए, इंपॉर्टेंट हमारे लिए पॉइंट है, इसमें से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। चलिए अब देखिए, अब जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उनको मैं ये बता दूं कि हमारे चैनल पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों को ध्यान में रखते हुए उन सभी बच्चों के लिए बहुत सारी सीरीज़ चलाई गई हैं, जैसे कि बिहार स्पेशल की सीरीज़ है, ये उन बच्चों के लिए जो कि बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो इस सीरीज़ में सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग आपके लिए 17th BPSC का जो एग्ज़ाम आने वाला है जो कि नवंबर में है ऑफिशियली, तो उन सभी बच्चों के लिए हम लोग एक सीरीज़ चलाई है जहाँ पर कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। उसके बाद बिहार स्पेशल की जो हिस्ट्री है, मतलब जो इतिहास आता है बिहार का, उसको हम लोग पहले ही कंप्लीट करा चुके हैं, केवल 3 वीडियो में उसको हम लोगों ने कंप्लीट करा दिया है। और रही बात ज्योग्राफी की, मतलब कि भूगोल की, वो भी हमारी चल रही है, आप जाके इस सीरीज़ को भी देख सकते हैं। और जो बिहार स्पेशल के जो करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, जो पिछले 6 महीने के जो करंट अफेयर्स हैं वो हम लोगों ने आपके लिए डाल दी हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिए अगर आपका बिहार का कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं। उसके बाद है हमारी NCERT की डिटेल एनालिसिस, ये सीरीज़ है जिसमें कि हम लोग पहले जो NCERT के चैप्टर्स होते हैं वो डिटेल में पढ़ाते हैं, नोट्स के साथ पढ़ाते हैं, फिर उनसे जो बनने वाले इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी मंथली मैगजीन भी आती है। ठीक है, और बाकी भी बहुत सारी सीरीज़ आप जाके हमारे चैनल में जाइए, देखिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, अगर आप चैनल की कम्युनिटी में जाते हैं तो वहाँ पर आपके लिए हम लोग क्वेश्चन पोस्ट करते हैं जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए है, तो चैनल में जाइए, फ़ायदा उठाइए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलते अपने दोबारा वापस चलते अपने चैप्टर पर। तो यहाँ पर बात ये बोल रहे हैं कि जो राजस्थान है, ठीक है, अब जो राजस्थान है हमारा एक राज्य, सबको पता है राजस्थान है, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें, मतलब अगर हम इन टर्म ऑफ द एरिया में देखें तो वो सबसे बड़ा है, लेकिन उसकी जो आबादी है, उसकी जो पॉपुलेशन है, वो केवल हमारे भारत की कुल जनसंख्या का, पॉपुलेशन का केवल 5.5% ही बनाती है। ठीक है, एरिया में तो बहुत बड़ा है लेकिन वहाँ पर लोग कम रहते हैं। अब ऐसा क्यों है, अगर आप दिमाग से सोचो, सोच के देखो ऐसा क्यों है। क्यों है? क्योंकि राजस्थान है, वहाँ पर गर्मी पड़ती है, थार डेजर्ट है आपका, रेगिस्तान है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से वहाँ पर एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट रहने के लिए नहीं हो पाता है। ठीक है, अच्छा नदियाँ नहीं हैं, कम है, पानी की कमी है, तापमान जो है, टेम्परेचर है वो बहुत कम है, वनस्पति वेजिटेशन बहुत कम है, इसी चीज़ को लेकर वहाँ पर जो जनसंख्या है लोग नहीं रह पाते हैं। इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर जो जनसंख्या है, चाहे क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन पॉपुलेशन केवल 5.5% ही है। चलिए अब ये देखिए, यहाँ पर जो आपको मैंने पहले पढ़ाया है वो हम लोग डायग्राम से देख लेते हैं। यहाँ पर बोला अगर एरिया के हिसाब से देखें, क्षेत्रफल के हिसाब से देखें, तो हमारे पूरे भारत का जो एरिया है वो पूरे विश्व का केवल 2.4% है। ये जो क्वेश्चन है ये 1000 बार आप कोई सा भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन को उठा के देख लीजिए, आपसे लगातार ये पूछा जाता है। तो कितना परसेंट एरिया बनाता है? 2.4% बनाता है। वहीं पर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की बात करें, अगर आप गूगल पे जाते हैं तो आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी कि देखो NCERT में क्या दे रखा है, NCERT में दे रखा है 17%, लेकिन अगर गूगल करते हैं तो 2024 के आंकड़ों के हिसाब से जो हमारी जनसंख्या है वो 17.78% है पूरे विश्व की जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं। चलिए अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें हमारा जो जनगणना है 2011 की जनगणना के हिसाब से, अगर हम जनसंख्या का वितरण देखें, डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन देखें, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है? वो है यूपी में। यहाँ पर हम लोग डेंसिटी की या फिर घनत्व की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं कि हम लोग नंबर लेके चल रहे हैं लोगों का, मतलब कि नंबर लेके चल रहे हैं, डेंसिटी की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो यूपी में है जो कि 16% है। उसके बाद आपकी महाराष्ट्र
महाराष्ट्र और बिहार में, जो कि 9% है पूरे इंडिया की बात अगर हम करते हैं। उसके बाद आपकी वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल की, जो कि 8% है। उसके बाद आपकी आंध्र प्रदेश की है। यही पाँच इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही तक आपसे सीरीज लगाने को पूछी जा सकती है कि घटता क्रम है बढ़ता क्रम है, आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या ख़त्म कर लिया, तो हम लोगों ने यहाँ तक ख़त्म कर लिया कि जो हमारा जनसंख्या का आकार एवं वितरण का पहला जो पार्ट है वो कंप्लीट करा, कि भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या के आधार पर हम लोगों ने देखा जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, अगर हम उसको नंबर के हिसाब से देखते हैं, संख्या के हिसाब से देखेंगे, तो हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे कि हमारी जो इंडिया का जनसंख्या है, मतलब जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है ऑन द बेसिस ऑफ उसके घनत्व के हिसाब से, मतलब डेंसिटी के हिसाब से अगर हम इसको देखते हैं। अब पहली बात तो हम लोग डेंसिटी बोल तो दिया, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि डेंसिटी होती क्या है, मतलब जनसंख्या घनत्व क्या है। ये होता है नंबर ऑफ द पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया, मतलब प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की जनसंख्या, लोगों की संख्या, मतलब पर यूनिट, मतलब कि इतने एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर एग्जांपल से समझें कि हमने मान ला कि यहाँ पे दो एरिया हैं ये, ठीक है, तो यहाँ पर रह रहे हैं 15 लोग एक एरिया में, और एक एरिया में रह रहे हैं आपके 50 लोग, ठीक है, तो यहाँ पे एकदम पास पास, एकदम पास पास रहेंगे, एकदम 50 लोग हैं तो देखो स्पेस कम होगा तो लोग पास पास रहेंगे। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि इस एरिया की, जो आपका जो एरिया नंबर बी है, उसकी जो डेंसिटी है घनत्व बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो 15 लोग रह रहे हैं एरिया नंबर ए में, वो बहुत आराम से रहेंगे, उनका बहुत ज़्यादा स्पेस होगा, तो जो जनसंख्या जो डेंसिटी है वो उसकी घनत्व जो है वो आपका कम होगा। तो यहीं पर ये यही हमारी जो डेफिनेशन है यही बोलती है कि नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया, प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को हम बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। अगर हम इंडिया की बात करें, भारत की बात अगर हम करते हैं 2011 की जनगणना के हिसाब से, तो हमारे देश में जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो है आपकी 382% पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम एक स्क्वायर किलोमीटर का अगर हम एरिया लेते हैं, ठीक है, एक स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ले रहे हैं, तो वहाँ पर आपके 382 लोग रहते हैं, ठीक है, एक किलोमीटर स्क्वायर में 382 पीपल आपको मिल जाते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें कि हमारा ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा घनत्व है हमारी जनसंख्या का, तो वो आपका आता है बिहार का, मतलब 1102% एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में यहाँ पर 1102 लोग रहते हैं। वहीं पर हम बोलें कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो वो आपका है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर कि एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में केवल 17 लोग रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बिहार है जहाँ पे कि 1100 लोग रह रहे हैं एक किलोमीटर में, वहीं पर अरुणाचल प्रदेश में केवल 17 लोग रहे हैं, तो 1100 और 17 में कितना बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है जनसंख्या घनत्व है, वहीं पर अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है। अब यहाँ पर बात हम करते हैं स्टेट विद पॉपुलेशन डेंसिटी बिलो 250% पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 250 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर से कम जनसंख्या वाला घनत्व वाले राज्य कौन से है, मतलब कि ऐसा राज्य जहाँ पर कि एक स्क्वायर किलोमीटर में 150 व्यक्ति रहते हैं, मतलब 250 व्यक्ति रह रहे हैं, ऐसे कौन कौन से हमारे ये राज्य हैं। तो कौन कौन से हैं, वो है एक हमारा जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, मतलब हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। ये सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कि आपको जो जनसंख्या घनत्व मिलेगा वो 250% पर स्क्वायर किलोमीटर के नीचे मिलेगा, ठीक है, बिलो मिलेगा। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अब नेक्स्ट में क्या है, अब ऐसा क्यों है, अब हमारे सवाल ये आता है ऐसा क्यों है कि यही ऐसे क्यों राज्य हैं कि यहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व है वो इतना कम है क्यों। ये देखिए अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो गया आपका, आपका जैसे कि मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, मेघालय होगा, ठीक है, इन सभी में आपको क्या मिलता है, एक पर्वतीय क्षेत्र है, रग टोपोग्राफी है, मतलब कि ऊबड़ खाबड़ वाला एरिया है जहाँ पर कि लोग ज़्यादा रहना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे आपका जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, जहाँ पर कि आपको हार्श कंडीशंस मिलती हैं, मतलब कि हार्श क्लाइमेट मिलता है, बहुत बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वहाँ पर भी आपके रिसोर्सेज तो हैं, संसाधन हैं, लेकिन उनको निकालना मुश्किल हो जाता है, लोगों का रहना मुश्किल हो जाता है। इसी की वजह से ही इन सभी स्टेट्स में, राज्यों में जनसंख्या घनत्व थोड़ा कम होता है। वहीं पर अगर हम बात करें कि आसाम एंड मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर स्टेट्स,
में मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी है, मतलब आसाम हो और से अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्य। प्रायद्वीपीय राज्य का मतलब क्या हो गया, ये वाले जो स्टेट्स यहाँ पर आते हैं हमारे इंडिया के इस वाले एरिया में आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आसाम और अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है, मतलब कि मॉडरेट है। मॉडरेट का मतलब क्या हो गया, ना ही तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर जनसंख्या घनत्व, ना ही बहुत कम है। अब ऐसा क्यों, क्यों यहाँ पर जो है हिली डाइसेक्टेड एंड रॉकी नेचर ऑफ द टेरेन है, मतलब पहाड़ी कटे छटे एवं पथरीले भूभाग यहाँ पर आपको मिलते हैं। साथ में जो रेनफॉल है, जो आपकी वर्षा है, वो मॉडरेट से कम होती है, ज़्यादा हैवी रेनफॉल नहीं होती है। और यहाँ की जो मिट्टी है, सॉइल है, वो लेस फर्टाइल है, छिछली एवं कम उपजाऊ आपको मिट्टी मिलती है। इन सभी कारणों की वजह से जो आसाम है और आपका जो पेनिनसुलर एरिया है वहाँ पर जनसंख्या जो घनत्व है वो आपको मॉडरेट देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम देखें हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स और केरला, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स का मतलब क्या, अगर हम इंडिया का यहाँ पर नक्शा बनाते हैं, ठीक है, इंडिया का हम नक्शा बनाते हैं, ये रफ नक्शा है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स आपके हो गए ये वाले एरिया जहाँ से कि आपको गंगा बहती हुई दिखती है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स और केरला, केरला की बात करें तो यहाँ पर जनसंख्या के जो घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो बहुत ज़्यादा है। अब क्यों, देखिए ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो एरिया हमारा है, चाहे आपका गंगा प्लेन्स का एरिया हो, नॉर्दर्न प्लेन्स हो, वहाँ पर आपको उपजाऊ मिट्टी मिलती है, मतलब कि फर्टाइल सॉइल आपको मिल जाती है, ठीक है। पानी की कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पानी जो है आपका साउथ वेस्ट मानसून से आता है, मतलब कि दक्षिण पश्चिम मानसून से भी आता है पानी, और साथ में आपका लौटते मानसून से भी पानी आता है। और बहुत सारी जो नदियां हैं, बहुत सारी नदियों का जाल भी आपको यहां पर इस एरिया में मिल जाता है, तो यहां पर खेती करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और केरला में भी पानी की कमी नहीं, आपको पता है केरला में कितना सारा जंगल है, हरियाली है। तो इन सभी कंडीशंस की वजह से यहाँ पर जो जनसंख्या आपको मिलती है, जनसंख्या का घनत्व आपको मिलता है, वो बहुत हैवी मिल जाता है। आपको पता, जिन बच्चों ने एंशंट हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उन सबको पता भी होगा कि जब भी कोई सिविलाइजेशन थी वो हमेशा नदियों के पास ही आके बसी थी, क्योंकि नदियों के पास ही हमें पानी मिलता है, और किसी भी खेत को करने के लिए, फसल उगाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। इसीलिए यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन्स और केरला में डेंसिटी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि यहाँ पर अबंडेंट रेनफॉल है, पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, जो कि जो हमारा एग्रीकल्चर है, ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर है, खेती जो है, खेती बाड़ी के काम को ये सपोर्ट करता है, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो देखिए हम लोग अब हम क्या देखते हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कि जनसंख्या का घनत्व 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर हम देखें तो जो वो राज्य है जो कि 1000 से लेकर और अबव कि जो जनसंख्या है वो कौन कौन से हैं, तो वो है आपका एक बिहार पड़ता है आपका, ठीक है, यहाँ पर बिहार पड़ेगा और यहाँ पर आपका पड़ता है वेस्ट बंगाल। तो ये दो ऐसे राज्य हैं जिनकी जो जनसंख्या है वो 1000 या उससे ज़्यादा डेंसिटी वाली है। उसके बाद दूसरा हमारा आता है कि ऐसा राज्य जिसकी जो जनसंख्या घनत्व है वो आपका 571 से लेकर 1000 तक है, तो वो कौन कौन से राज्य हैं, तो वो आपके पड़ते हैं यहाँ पर यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश, और साथ में आपका केरला, ठीक है, कौन सा पड़ता है, केरला और उत्तर प्रदेश हो गया। अब नेक्स्ट आपका आता है कि ऐसे स्टेट्स जिनकी जो जनसंख्या घनत्व है वो 501 से लेकर 750 तक का रहता है, तो वो है आपके जैसे कि तमिलनाडु हो गया हमारा, ठीक है, कौन सा हो गया, तमिलनाडु हो गया। तमिलनाडु के बाद आपका पंजाब है, ठीक है, पंजाब है, हरियाणा है, पंजाब हरियाणा हो गए, ये तीन ऐसे राज्य हैं जिनकी जो जनसंख्या घनत्व है वो 501 से लेके 750 तक का रहता है। उसके बाद अगर और आगे चलते हैं तो वो हैं 250 से लेकर 500 तक, ठीक है, 250 से लेकर 500 तक जनसंख्या घनत्व कौन से राज्यों का है, तो इसमें से बहुत सारे राज्य आते हैं, जैसे कि हमारा एक आता है आसाम, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट्स है हमारा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, फिर है आपका गुजरात आता है, फिर यहाँ से आपका महाराष्ट्र आता है, अगर यहाँ बात करें तो झारखंड भी आपका आता है, उड़ीसा आपका आता है, आंध्र प्रदेश आता है, महाराष्ट्र आपको मैंने पहले ही बता दिया है, फिर कर्नाटक है, ठीक है, ये सारे जितने भी राज्य हैं वो 250 से लेकर 500 तक के रेंज में आते हैं। अगर इससे भी कम पॉपुलेशन की डेंसिटी की बात करें, मतलब 250 की या उससे कम वाली, तो वो कौन से राज्य हैं, तो वो आपके राज्य आते हैं
वो हैं आपके जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया। सिंपल सी बात है, जम्मू कश्मीर में लोग कम रहते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर है आपका, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ठीक है, राजस्थान है, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मेघालय है, मेघालय, मिज़ोरम, मणिपुर, ठीक है, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ठीक है। तो ये हमारी पॉपुलेशन की डेंसिटी, जो जनसंख्या घनत्व था, पूरे हमने अपने भारत में इसको देख लिया। आगे चलते हैं, आगे है हमारा, एक मिनट, आगे है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। यहाँ पर हम लोग ये पढ़ेंगे कि जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है। अब यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ नंबर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ये बोल रहा है कि जो हमारी आबादी है, जो हमारी जनसंख्या है, उसकी जो अगर संख्या की बात करें या उसके वितरण की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, या फिर हम उसके संगठन की, मतलब कि कंपोजिशन की बात करें, तो ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ठीक है। जनसंख्या की जो संख्या है, लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका जो संगठन है वो चेंज होता रहता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मृत्यु दर हो गया, जन्म दर, बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट हो गया, या फिर माइग्रेशन, मतलब जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास में आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण होता है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आपका बर्थ रेट हो गया, मतलब कि बहुत ज़्यादा बर्थ हो गए, जन्म हो गए, कभी कभी पेंडेमिक आ जाती है, बीमारियां फैल जाती हैं, तो वहां पर आपका डेथ रेट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, डेथ रेट ज़्यादा हो गया। जैसे कि अगर हम अभी रिसेंट की बात करें तो कोरोना, लेकिन ये जो हम सिनेरियो देखेंगे कोरोना में, यहाँ पर तो हम लोग एक हम डेवलपिंग देश हैं, यहाँ पर हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो हम लोगों ने अपनी जो जनसंख्या है लोगों को बचा लिया, उनको वैक्सीन देके। लेकिन जब पहले ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो उस समय लोगों को छोटी बीमारियाँ भी, जैसे कि आपका टीबी हो गया, वो हो गया, प्लेग हो गया, इन सभी को लेकर बहुत सारी महामारी मच जाती थी और डेथ रेट बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो उसी की वजह से यहाँ पर ये बोला गया है कि कभी भी किसी भी देश का या फिर पूरे विश्व का अगर हम बात करें, जो जनसंख्या का कंपोजिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, नंबर है, वो कभी एक सा नहीं रहता है, वो चेंज होता रहता है। वहीं पर तीसरी बात है आपकी माइग्रेशन की, मतलब कि प्रवास की, लोग माइग्रेट करते हैं, जैसे कि बिहार में से बहुत सारे लोग जो हैं माइग्रेट होकर वो आपके काम करने जाते हैं बाहर देश में, ठीक है, बाहर देश में काम करने जाते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, बहुत सारे हो गए, ठीक है। ये हमने बात करी इंटरनेशनल माइग्रेशन की। यहीं पर अगर हम बात करें आपका इंटरनल माइग्रेशन, मतलब कि आंतरिक प्रवास, जहाँ पर कि हम लोग जैसे कि दिल्ली से लोग काम करने चले गए, मुंबई चले गए, या फिर बिहार से दिल्ली आ गए, बिहार से महाराष्ट्र चले गए, यूपी से लोग जा रहे हैं काम करने, दिल्ली से भी लोग की नौकरियाँ लगती हैं तो वो किसी और राज्य में ले जाते हैं, पंजाब, हरियाणा, मतलब पूरे इंडिया में यहाँ पर माइग्रेशन होता रहता है। तो उसी की वजह से जो हमारी जो कंट्री है, या फिर कोई भी कंट्री क्यों ना हो, कोई भी देश क्यों ना हो, उसकी जो पॉपुलेशन है वो एक जैसी नहीं रहती है, कांस्टेंट नहीं रहती है, वो चेंज होती रहती है। तो ये जो तीन फैक्टर्स हैं, बड़े बड़े बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन, ये तीनों के तीनों किसी भी क्षेत्र की, कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसको चेंज करते रहते हैं। बस यही बात यहाँ पर ये बोली गई है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे यहाँ पर क्या बोला है कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, मतलब कि जनसंख्या वृद्धि क्या है। अब ये देखिए, पॉपुलेशन ग्रोथ या जनसंख्या वृद्धि का मतलब क्या है कि चेंज इन द नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री या फिर टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि 10 साल में, अगर हम 10 साल का एक बड़ा सा लॉन्ग पीरियड लेके चलें, ठीक है, 10 साल का बड़ा सा लॉन्ग पीरियड लेके चलें, तो वहाँ पर कैसे, किस तरीके से किसी वहाँ के जो निवासी हैं उनकी जनसंख्या में परिवर्तन होने को हम बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि हम 1990 की बात करते हैं, 1990 के बाद अगर हम बात करते हैं 10 साल, 1990 के 10 साल के बाद अगर हम बात करते हैं, तो वो आपका 2000 का सन आता है। तो हमने एक ही पीरियड ले लिया है, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या 1990 से 2000 में क्या जनसंख्या बढ़ी है, तो अगर बढ़ी है या फिर घटी है, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर लेके चलते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, ठीक है। क्योंकि ये पॉपुलेशन ग्रोथ आपकी पॉजिटिव भी होती है और ये नेगेटिव भी होती है, ठीक है, दोनों ही होती है। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि हमारी जनसंख्या बढ़ गई, नेगेटिव का मतलब क्या, जनसंख्या घट गई। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि जब पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको हम लोग दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब कि दो प्रकार से उसको व्यक्त किया जा सकता है।
जैसे कि पहला है आपका एब्सोल्यूट नंबर मतलब कि सापेक्ष वृद्धि, दूसरा है आपका जनसंख्या की वृद्धि का दर मतलब जो आपकी पॉपुलेशन है वो किस परसेंटेज से किस रेट से बढ़ी है। अगर हम बात करते हैं एब्सोल्यूट नंबर की, एब्सोल्यूट नंबर का मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे सिंपली सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब कि घटा रहे हैं कि 2001 से लेकर अब मान लेते हैं कि 2001 में 100 पॉपुलेशन थी, मतलब कि 100 लोग की जनसंख्या थी। वहीं पर अगर हम बात करते हैं 2011 में तो पॉपुलेशन आपकी 200 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी जनसंख्या बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है, वो बढ़ी है आपकी 100, ठीक है। तो ये जो नंबर हमारा आएगा, ये जब पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ी है उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट नंबर की। सिंपली कुछ नहीं करना है इसके अंदर, आपको केवल जनसंख्या के आंकड़े लेने हैं, उनको घटाना है, वहीं से आपकी सापेक्ष वृद्धि आ जाएगी। ये बात है पहले की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या में से घटाकर देखते हैं अगर अगर वो बढ़ता है या फिर घटता है, कुछ भी हो सकता है उसमें से, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही हो सकता है। वहीं पर बात है आपकी रेट की, मतलब कि जनसंख्या की वृद्धि का दर, जनसंख्या वृद्धि का दर रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द परसेंट ऑफ पॉपुलेशन पर एनम, मतलब कि पूरे हर साल अगर हम हर साल की बात करें तो कितना परसेंट, कितनी आपकी जो कितना प्रतिशत आपकी पॉपुलेशन में, आपके देश की पॉपुलेशन में वृद्धि हुई है। अब जैसे एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि 2% पर एनम जनसंख्या बढ़ रही है, इसका मतलब कि 100 व्यक्ति पर 2 लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि होना को हम बोलेंगे कि 2% पीपल जो हैं पर एनम बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम दो तरीके से हम लोग अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को जांचते हैं, पहले एब्सोल्यूट नंबर सिंपल है कि वह सब्ट्रैक्ट करना है घटाना है, दूसरे में हम लोग वहाँ पे प्रतिशत मतलब कि परसेंटेज को देख लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा कि एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वॉज स्टेडली इंक्रीजिंग, ठीक है, कि जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही थी। कैसे बढ़ रही थी, कब बढ़ रही थी, अगर हम 1951 से देखें और 1981 तक जाएं, ठीक है, मतलब कि 1951 से लेकर 1981 तक जो हमारे भारत की जो जनसंख्या थी, पॉपुलेशन थी, वो लगातार बढ़ रही थी, ठीक है। अगर 1951 में देखें तो 361 मिलियंस थी, मतलब कि 361 मिलियन लोग थे, और वही लोग बढ़कर 683 मिलियन हो गए, ठीक है, मतलब कि 683 मिलियन लोग बढ़ गए। तो यहाँ से इस चीज़ में क्या पड़ता है, क्या देखते हैं कि सिंपली लोग बढ़ रहे थे, लेकिन अगर हम 1981 से बात करें, 1981 से, ठीक है, 1981 तक बढ़ी, लेकिन 1981 से लेकर यही आपकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी, वृद्धि का जो दर था, वो धीरे धीरे कम होने लग गया, ठीक है। क्यों होने लग गया, डिक्लाइनिंग बर्थ रेट, मतलब जन्म दर में तेज़ी से कमी आई, मतलब जो बच्चे पैदा हो रहे थे, ठीक है, जितने भी बच्चे पैदा हो रहे थे उनकी दर में वो कम पैदा होने लगे, इसकी वजह से जो हमारी रेट ऑफ ग्रोथ था वो कम हो गया। वहीं पर अगर हम इसमें अगर हम एक ग्राफ देखते हैं तो यहाँ पर ये ग्राफ हमें क्या बताता है कि 1951 से लेकर 2011 तक, ठीक है, 2011 तक अगर हम बात करें तो डिकेडल ग्रोथ रेट, ठीक है, मतलब कि हर 10 साल में पॉपुलेशन का जो वृद्धि है वो क्या हुई है। देखो यहाँ पर 51 में थी 21% लगभग 61 में आपकी 24% हो गई, वहीं पर धीरे धीरे घटने लगी, 24 फिर 23 फिर 21 और फिर 17। 2001 और 11 में देखें पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो आपकी 17% ये रह गई। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या बात करी है, आपके डिकेडल ग्रोथ रेट की बात करी है। वहीं पर देखो यहाँ पर रेट तो घटा है, ठीक है, रेट क्या है, हमारा जो पॉपुलेशन का रेट है वो घटा है। वहीं पर अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं, नंबर ऑफ द पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं 1901 से लेकर 2011 में, तो वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है हमारी, लोग बढ़ रहे हैं लेकिन ग्रोथ रेट कम हो रही है यहाँ पर, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि जनसंख्या तो बढ़ रही है, संख्या में हमारी नंबर्स में जनसंख्या बढ़ रही है, वहीं पर हमारी जो ग्रोथ रेट है, जो हमारी जनसंख्या की ग्रोथ रेट है वो घट रही है, जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन हमारी ग्रोथ रेट बढ़ रही है। अब इसी से आपके स्टेटमेंट्स के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है।
चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि लो एनुअल रेट ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन यील्ड्स अ लार्ज एब्सोल्यूट इंक्रीज। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है तब इसमें सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है। मतलब कि जब कोई भी देश है, कोई भी एरिया है, वहाँ पर बहुत सारी जनसंख्या है और उसमें अगर हम कम वार्षिक दर देखेंगे ना, तो उसमें जो आपकी एब्सोल्यूट ग्रोथ है वो ज़्यादा ही होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ द ग्रोथ रेट, मतलब वो एक पॉजिटिव इंडिकेटर है हमारे बर्थ कंट्रोल करने का। ये बोला गया है कि जब हम ये देखते हैं कि हमारे देश में ग्रोथ रेट तो घट रही है, मतलब वृद्धि दर में कमी आ रही है, ठीक है, वृद्धि दर में कमी आने का मतलब ये है, तो इसका मतलब हमें क्या इंडिकेशन क्या मिलता है कि हम लोग जो हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो पॉपुलेशन को, जनसंख्या को कंट्रोल करने में कामयाब हो रही है, सफलता पा रही है, ठीक है, कामयाब। ऐसा नहीं कि वो पॉपुलेशन आपकी घट रही है, जनसंख्या घट रही है, नहीं। यहाँ पर कब केवल हम लोग ग्रोथ रेट एक परसेंटेज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं। जनसंख्या अभी भी बढ़ रही है लेकिन वो एक कम दर से बढ़ रही है, एक कम परसेंटेज से ये बढ़ रही है। तो इसका इंडिकेशन क्या है, अगर हमारे देश में देखिए हमारे देश में जनसंख्या की अगर हम बात करें 1951 से लेकर, पहले 21% लगभग थी लेकिन 2011 में केवल 17% रहेगी। इसका मतलब क्या है, जो हमारी जो सरकार है वो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए जो भी पॉलिसीज़ बना रही है वो उसमें सफलता प्राप्त कर रही है। लेकिन आप ये बिल्कुल मत सोचना कि अगर पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कम हो रहा है तो हमारी जनसंख्या भी कम हो रही है, नहीं, ऐसा नहीं है, बस वो एक कम दर से बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आशा करती हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे इसमें क्या बोला है कि अगर हम बात करते हैं, आप सभी को पता होगा कि अब हमारा जो देश है इंडिया, भारत जो है वो सबसे बड़ा, सबसे अधिक आबादी वाला देश हो गया है। वो कब बना है, वो बना है 2023 में। नंबर वन पे हमारा देश है, सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है, उसके बाद आपका आता है चाइना। इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बावजूद आपकी जो जनसंख्या की वृद्धि है वो जारी है, ठीक है, जनसंख्या का जो आपका बेस है, पॉपुलेशन जो बेस है वो बड़ा है। चलिए अब आगे है हमारा प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, ठीक है, प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज या फिर हम ग्रोथ करते हैं, जनसंख्या वृद्धि एवं परिवर्तन की प्रक्रिया। देखो यहाँ पर जो है हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो जनसंख्या की वृद्धि है वो किस तरीके से हो रही है, तो उसकी जो तीन प्रमुख प्रक्रियाएं होती हैं, प्रोसेस होते हैं, जो कि आपको मैंने पहले ही शुरू में जब चैप्टर स्टार्ट करवाया था आपको समझा दिया था कि इसमें तीन मेन चीज़ काम करती हैं। पहला आपका जन्म दर, मतलब कि बर्थ रेट, फिर है डेथ रेट और फिर है आपका माइग्रेशन। ये इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं आपकी जनसंख्या वृद्धि में या फिर उसके परिवर्तन में। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे बर्थ रेट। अब देखिए बर्थ रेट मतलब कि जन्म दर। अब नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स 1000 persons इन द कंट्री इन अ ईयर, मतलब एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है, ठीक है, पूरे साल में अगर हम बात करें, यानी कि क्या हुआ कि यहाँ पर 1000 बच्चे, ठीक है, मान लो कि 1000 बच्चों का बर्थ हुआ है, ठीक है, 1000 बच्चे पैदा हुए हैं एक साल में। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या हो जाता है कि एक साल की बात हो रही है। अब इसमें से कितने बच्चे जीवित रहे हैं, कितने बच्चे जिंदा रहे हैं, वो आपके 800 भी हो सकते हैं, वो 900 भी हो सकते हैं, वो 700 भी हो सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं। तो यहीं पर ये बात करिए, वो जन्म दर की ये बात हो जाती है, ये आपकी डेफिनेशन ही एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अब हमारे इंडिया में मेजर कंपोनेंट ऑफ द ग्रोथ इन द पॉपुलेशन ये आपकी बर्थ रेट ही है, मतलब हमारा जो भारत है, हमारे भारत में जो पॉपुलेशन की जो वृद्धि है वो इस कारण है कि हमारे भारत में बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करते हैं डेथ रेट से, मतलब जन्म दर ज़्यादा है मृत्यु दर से। यह बात होगी हमारी बर्थ रेट की, मतलब कि जन्म दर की। अब हम पढ़ते हैं आपका डेथ रेट, मतलब कि मृत्यु दर। नंबर ऑफ डेथ, ठीक है, नंबर ऑफ डेथ है 1000 persons इन द ईयर, ठीक है, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या, ठीक है, ये भी सेम वैसा ही है कि 1000 लोगों में से कितने लोग
की मृत्यु हो गई, कितने लोग की मतलब डेथ हो गई, तो वो आपका हो गया डेथ रेट। अब मान लो कि 1000 लोगों में से अगर 900 लोग मर रहे हैं हर साल में, तो ये बहुत ज़्यादा डेथ रेट है। लेकिन मेडिकल फैसिलिटीज़ आने के बाद, मतलब कि आपकी वैक्सीन आ गई है, आपके लिए दवाइयाँ आ गई हैं, बीमारियों का इलाज हो रहा है, तो इसकी वजह से जो डेथ रेट है वो दिन साल दर साल वो कम हो रहा है। तो यही बात है, मृत्युदर आजकल ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये कम आपको देखने को मिलता है। अब मेन कॉज ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ यही है, क्योंकि हमारा जो बर्थ रेट है, जन्म दर है, वो तो बढ़ रहा है, लेकिन जो डेथ रेट है, जो आपका मृत्यु दर है, वो घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ आ गई हैं, लोगों को इलाज मिल गया है। तो कोई भी पेंडेमिक आए, कुछ भी आए, चाहे कोरोना ही क्यों ना आए, ठीक है, कोरोना आ गया, प्लेग आ गया, कुछ भी आ गया, उन सबका इलाज अवेलेबल है। तो इसकी वजह से डेथ रेट आपकी कम हो गई है। जब डेथ रेट कम हो गई है, बर्थ रेट ज़्यादा है, तो जनसंख्या की सिंपल सी बात है कि जो जनसंख्या में वृद्धि की दर बढ़ेगी, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं माइग्रेशन, नहीं पहले उससे हम ये पढ़ते हैं कि टिल 1980, मतलब कि 1980 तक अगर हम बात करते हैं, 1980 की बात हो रही है, तो वहाँ पर हाई बर्थ रेट था, मतलब कि उच्च जन्म दर था, ठीक है, डिक्लाइनिंग डेथ रेट था, मतलब कि लगातार मृत्यु दर में गिरावट आ रही थी। अब देखिए 1980 की बात हो रही है, हमारा देश आज़ाद हो चुका था, बहुत सारा टाइम हो चुका था उसको आज़ाद हुए हुए, तो वहाँ पर आपकी मेडिकल फैसिलिटीज़ आ गई थी, उसकी वजह से हाइयर रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, मतलब कि जनसंख्या की में जो वृद्धि है वो अधिक दर से बढ़ने लगी, जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई। सिंपल सी बात है, बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, और लेकिन जो डेथ है, जो लोग मर रहे हैं, वो कम है, तो जनसंख्या सिंपल सी बात है कि वो बढ़ेगी ही, तो वहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर है वो बढ़ी। लेकिन 1981 से अगर हम बात करते हैं, 1981 से अगर हम बात करते हैं, तो जो आपका बर्थ रेट है, जो जन्म दर है, उसमें गिरावट आनी शुरू हो गई। अब ये क्यों आ गई? क्योंकि ये फैमिली प्लानिंग की वजह से आ गई, ठीक है, लोगों को समझ में आने लग गया कि फैमिली प्लानिंग की वजह से लोगों में जो जन्म दर था, बच्चों जो पैदा हो रहे थे, उनकी दर में थोड़ी कमी आई। अब ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, अब इसी की वजह से जनसंख्या में वृद्धि दर में भी गिरावट आ गई, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आ गई। अब देखिए जनसंख्या अगर हम बात करें, बहुत सारे आपके जो थिंकर्स होते हैं, अगर हम उनकी बात करें, ज्योग्राफिकल थिंकर्स होते हैं, तो उनका ये कहना होता है कि जो आपकी जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन ही सबसे बेस्ट होती है। मतलब इसका ऑप्टिमम पॉपुलेशन का मतलब क्या हुआ कि जितने रिसोर्सेज हैं, जितनी जनसंख्या, जितने आपके संसाधन हैं, उतनी ही पॉपुलेशन होनी चाहिए, जितने संसाधन हैं उतनी ही जनसंख्या होनी चाहिए, जिससे कि लोगों में भुखमरी ना आए। तो यही बात है, तो इसलिए हर देश है वो यही चाहता है कि हमारे देश में जितने संसाधन उतनी पॉपुलेशन हो, जिससे कि सबका डेवलपमेंट जो है वो बहुत अच्छे से हो। तो 1981 से हमारे देश में बर्थ रेट जो है वो थोड़ा कम होने लग गया, उसी की वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में भी कमी आई। ये हमारा हो गया डेथ रेट और बर्थ रेट। अब हम चलते हैं माइग्रेशन पे, मतलब कि प्रवास। प्रवास क्या होता है? लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को हम लोग प्रवास कहते हैं, ठीक है। लोग जो हैं एक क्षेत्र से, जो का मैंने आपको बताया था, इंटरनल माइग्रेशन होता है और एक आपका इंटरनेशनल माइग्रेशन होता है। इंटरनेशनल माइग्रेशन का मतलब क्या? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, कि लोग एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, चाहे वो आपके लिए काम करने जा रहे हों, चाहे वो पढ़ने जा रहे हों, ठीक है, और चाहे वो घूमने जा रहे हों। घूमने वाला जो होता है वो टेम्प्ररी आपका माइग्रेशन होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है इंटरनल माइग्रेशन, मतलब कि प्रवास आंतरिक होना चाहिए, कि मतलब कि देश के भीतर में, कि बिहार से दिल्ली चले गए, दिल्ली से बिहार चले गए, यूपी से काम करने आपके लिए केरला में आ गए। तो जो माइग्रेशन होता है लोगों का, वही वाले हम बात करी है। तो इस माइग्रेशन से, ये देखिए जो माइग्रेशन हमारा आंतरिक माइग्रेशन जो हो रहा है, इंटरनल माइग्रेशन हो रहा है, वो एक राज्य से दूसरे राज्य में ही हो रहा है। तो उससे जो हमारी जो पॉपुलेशन का जो आकार है, साइज है, वो तो चेंज नहीं होगा। सिंपल सी बात है कि एक इंसान, अभी मान लो कि बिहार में आपके 100 लोग रहते थे बिहार में, वहीं से वो हट के वो चले गए आपके वेस्ट बंगाल में, मतलब कि पश्चिम बंगाल में, वो 100 में से आपके 20 लोग वेस्ट बंगाल में चले गए, और वेस्ट बंगाल में थे आपके 90 लोग, तो वेस्ट बंगाल में अब कितने लोग हो गए? 90 प्लस 20 मतलब कि 110 लोग हो गए, और बिहार में कितने लोग हैं? 80 लोग हैं। अब देखो 80 लोग हो, 110 लोग हो गए, तो सेम ही यहाँ पे जनसंख्या, अगर हम देखेंगे पूरे देश में जनसंख्या सेम ही रही है, संख्या सेम ही रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ बोली गई है कि डज नॉट चेंज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, कि जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं आता है, अगर हम इंटरनल माइग्रेशन की बात अगर हम करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं,
अब यहाँ बोला गया है कि ज़्यादातर अधिकतर जो प्रवास हमारे देश में होता है, इंडिया में जो मोस्ट माइग्रेशन है अधिकतर, वो आपका रूरल से लेकर अर्बन एरिया में ही होता है। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरी क्षेत्रों में जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों देखिए, तो रूरल जो एरिया है, ग्रामीण एरिया है, वहाँ पर हम लोग को गरीबी देखने को मिलती है, ठीक है, गरीबी है, बेरोजगारी है। अब उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए लोग शहरों में आते हैं काम करने के लिए, जहाँ पर कि आपको रोज़गार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती हैं और बेटर लिविंग कंडीशंस मिलती हैं, कि अच्छे जीवन स्तर मिलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा माइग्रेशन है भारत में, वो ज़्यादा रूरल टू अर्बन एरिया होता है। तो अब देखिए, यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल गई अर्बन एरिया में, मतलब कि शहरी क्षेत्रों में, तो यहाँ पर क्या हुई, ये आपका हो गया पुल फैक्टर, कि अर्बन एरिया ने पुल करा है, लोगों को आने के लिए मजबूर करा है। वहीं पर यहाँ पर पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये आपका पुश फैक्टर, मतलब कि अपकर्षण, कि लोगों को दूसरे क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में जाने के लिए मजबूर कर दिया, धक्का दिया जा रहा है, ठीक है। तो रूरल वाला जो है आपका पुश फैक्टर है, अर्बन एरिया जो है वो आपका पुल फैक्टर है। अब है यहाँ पर चेंज पॉपुलेशन जनसंख्या के आकार को भी प्रभावित करता है। जो हमारा माइग्रेशन है वो आपके पॉपुलेशन साइज को प्रभावित करता है। पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ द अर्बन एरिया एंड रूरल पॉपुलेशन इन टर्म ऑफ द एज एंड सेक्स। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जब लोग रूरल एरिया से, ग्रामीण क्षेत्र से अर्बन एरिया में जा रहे हैं, तो यहाँ पर एज में, मतलब जो आपका जो उम्र है और जो आपका सेक्स, आप मेल हैं फीमेल हैं, वहाँ पर परिवर्तन आ जाता है। मानिए रूरल एरिया में से ज़्यादातर जो मेल होते हैं वही जाते हैं अर्बन एरिया में काम करने के लिए, जो औरतें होती हैं, फीमेल्स हैं, वो पीछे रह जाती हैं। तो ऐसा देखा गया है कि रूरल एरिया में जहाँ से लोग बहुत ज़्यादा माइग्रेशन करते हैं, इंटरनल माइग्रेशन करते हैं, तो वहाँ पर औरतों की संख्या बहुत ज़्यादा है, फीमेल्स की संख्या ज़्यादा है। और अर्बन एरिया में, क्योंकि ये मेल जो हैं, ये जो पुरुष लोग हैं वो अर्बन एरिया में आ गए हैं, तो यहाँ पर जो मेल की जनसंख्या वो बढ़ जाती है। तो इसे इंटरनल माइग्रेशन में एज और सेक्स का कंपोजिशन ये चेंज होता है, मतलब लिंग और उम्र के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या में संरचना को भी परिवर्तन ये करता है। चलिए अब फिर क्या लिखा है यहाँ पर, अगर इसी के हम आंकड़ों की बात करें 2011 और 1951 के से देखें, तो अर्बन पॉपुलेशन में की जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि हुई है। जैसे कि 1951 में देखें तो 17% लगभग थी आपकी अर्बन पॉपुलेशन, मतलब कि जो आपकी शहरी क्षेत्रों में जो जनसंख्या थी वो इतनी थी, लेकिन 2011 में ये 31% हो गई है। तो इस आंकड़े से हम लोग ऊपर जो आपको मैंने समझाया है, ये आपको ये सेटिस्फाई ये करता है ये आंकड़ा। फिर है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मिलियंस। अब इसी चीज़ को लेते हुए, अगर जब जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो जो आपकी जो मिलियन प्लस सिटीज़ हैं वो भी बढ़ गई हैं, ठीक है। तो ये क्या प्रोवाइड करवाती हैं, ये आपको एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि रोज़गार में भी रोज़गार प्रोवाइड करवाती हैं। चलिए अब हम देखते हैं एडोलसेंट पॉपुलेशन, मतलब कि किशोर जनसंख्या के बारे में बात करते हैं। क्योंकि देखिए, हमें जो किशोर हमारी जनसंख्या है, वो हमारे देश का, हमारे पूरे इंडिया का फ्यूचर है ये, ठीक है। इनका जो पूरा, हमारा जो पूरा भारत देश है, उन्हीं के कंधों पर है। तो जो किशोर है, एडोलसेंट पॉपुलेशन है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे भारत को आगे बढ़ाने के लिए। अगर हम बात करें हमारे कुल जनसंख्या का 1/5, मतलब कि 1/5 का, 1/5 टोटल पॉपुलेशन वो हमारे किशोर लोग ही हैं, ठीक है। अभी किशोर कौन कौन होते हैं, तो जो बच्चे 10 से लेकर 19 साल की उम्र के बीच में आते हैं, वो आपके लिए किशोर कहलाए जाते हैं। लेकिन अब देखिए, मैंने आपको क्या बोला कि जो किशोर जो होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो हमारे देश का भविष्य है। लेकिन हमारे देश में, अब देखो, भविष्य है तो भविष्य के लिए हमें उनको खिलाना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा, जिससे कि वो स्किल लेकर, ठीक है, वो स्किल लें, पढ़ाई करें और अपने देश को आगे बढ़ाएं। लेकिन हमारे देश में विडंबना ये आ जाती है कि उनके स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जाता है, उनको पुअर न्यूट्रिशन दिया जाता है, मतलब कि वो कुपोषण के शिकार हैं, उनके भी डेफिशिएंसी आपको मिल जाती है, और साथ में उनका जो ग्रोथ होता है, उनकी जो वृद्धि होती है, वो अच्छी नहीं हो पाती है। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब और विकास अवरोधित हो सकता है। ये हमारे देश में ऐसी सिचुएशन है किशोरों के साथ। अगर हम इंडिया में बात करते हैं तो डाइट अवेलेबिलिटी इनएडिक्वेट है, मतलब भारत में किशोरों को जो प्राप्त भोजन है उसमें पोषक तत्व अपर्याप्त हैं, मतलब कि सही नहीं है। उसी की वजह से
एनीमिया बच्चों में देखा गया है, रक्तहीनता स्पेशली जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं उनमें ज़्यादा देखा गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो छोटे लड़के हैं बॉयज़ हैं उनमें भी एनीमिया देखा गया है। तो हमें और हम हो, हमारी जो गवर्नमेंट है, चाहे आपकी स्टेट गवर्नमेंट है चाहे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन सभी को अपने जो किशोरों की जनसंख्या है, एडोलसेंट पॉपुलेशन, उन पर ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, और हमारी सरकार दे भी रही है। ठीक है, तो हमारे फ्यूचर को अच्छा करने के लिए हमें अपना प्रेजेंट अच्छा करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट हमारा क्या है, वो है हमारी एडोलसेंट पॉपुलेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, मतलब कि जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है। ठीक है, देखो हम जनसंख्या का चैप्टर पढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को भी पढ़ें। अब इसमें क्या क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया है, इसमें प्रावधान क्या है, इसमें बोला गया है कि जो 14 साल से जो कम छोटे बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम आयु वाले जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करवाने की बात बोली गई है। मतलब 14 साल से छोटे बच्चों को हम निशुल्क शिक्षा प्रदान करवाना है। दूसरा ये बोला है जो आपके इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है, ठीक है, मतलब कि छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं, ठीक है, पैदा होते हैं उनके जो मृत्यु दर को कम करना है, 1000 लाइव बर्थ को 30 से भी कम ले कराना, मतलब कि प्रति 1000 में से 30 से कम लाना है। मतलब आपके अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं आपके देश में, तो उनका मरने की जो दर है वो हमें 30 से भी कम लानी है। ये राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में ये बोला गया है। फिर है आपका यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन, मतलब कि व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना, मतलब कि ऐसी बीमारियां जिनको कि हम लोग वैक्सीन देके बचा सकते हैं, ठीक है, टीका देके बचा सकते हैं, उन सभी बीमारियों को हमें कंट्रोल करना है, बच्चों में से हटाना है। प्रमोट डिले मैरिज, यहाँ बोला है कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। अब डिले मैरिज को बोला है कि लड़कियों की शादी को थोड़ा डिले करिए, ऐसा मत करिए कि आप उनके चाइल्ड मैरिज कर देते हैं, वो गलत है, डिले मैरिज करिए। 21 ऐसा बोला गया था, अभी फ़िलहाल एक कमेटी थी वहाँ पर ये बोला गया था कि जो उम्र है लड़कियों की वो 21 साल करनी चाहिए 18 साल से चेंज कर, लेकिन अभी फ़िलहाल उस पर कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन बोला गया है। तो यहाँ पर इसी पॉलिसी में बोला गया है कि हमें डिले मैरिज पर ज़्यादा फोकस करना है, जिससे कि जो लड़कियाँ हैं वो आगे पढ़े लिखें और अपने परिवार को अच्छे से आगे ले से जा सकें। फिर है मेकिंग फैमिली वेलफेयर अ पीपल सेंट्रिक प्रोग्राम, मतलब कि परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान किया जाना चाहिए। ये सभी इस पॉपुलेशन पॉलिसी, मतलब कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में ये बोला गया है। तो ये था हमारा चैप्टर, यहाँ पर हम लोगों ने पॉपुलेशन से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं उन सभी को देख लिया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें से आपका मेंस प्री कुछ भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं, आपका जो शिकायत जो आपका जो कोई भी प्रॉब्लम है उसका निवारण हम लोग ज़रूर करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी सजेशन है आप हमें वो भी लिख के बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देख लें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैप्पी लर्निंग।